हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। जेई मेंस 8, 9 और 10 अप्रैल के जो पेपर्स हुए हैं उनके एक ओवरऑल एनालिसिस मैं आपको देना चाहूंगा कि अब हमारे पास 6 पेपर्स आ गए हैं और बाई चांस की बात है 11th को इलेक्शन होने के वजह से 11th का आप मिल गया, 12th एक लास्ट पेपर है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का। इस सेशन का मेन पर्पज है क्योंकि बच्चे जो होंगे 12th अप्रैल को देने वाले होंगे वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल थॉट चल रहे होंगे क्योंकि हर शिफ्ट के पेपर में कुछ ना कुछ डिफरेंस था। तो अब किस तरह का पेपर आएगा और अगर मैं इसको जनवरी और अप्रैल को कंपेयर करूं तो क्या क्या चेंजेस हैं और 12th के लिए आप लोग किस तरह से बेसिक प्रिपरेशन करें, कल के दिन को किस ढंग से यूटिलाइज करें कि आप जो कुछ भी अब तक माइंड आपने सेट 12th के लिए किया उसमें और इंप्रूवमेंट हो जाए और आप बेस्ट कर सके, ये इसलिए इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से सुनिए। नंबर वन हम बात करें तो जनवरी और अप्रैल के पेपर्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही पेपर्स हैं। पर अगर हम 8, 9 और 10th के पेपर के पैटर्न की और लेवल की बात करें तो 8 अप्रैल का शिफ्ट 1 का जो पेपर था वो बहुत इजी पेपर था, शिफ्ट 2 का उससे लेंथी था, पर 9th का और 10th का पेपर देखें तो लगभग सेम थे जो 8th के सेकंड शिफ्ट के थे, पर 10th शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चन थे क्वाइट लेंथी थे, कई क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग थे, इवन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनमें उलझ सकते थे, यानी पेपर के पैटर्न या लेवल में डिफरेंस था, ऑब्वियसली डिफरेंस था। पर केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री बहुत इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, फिजिक्स कुछ हद तक लेंथी था पर मैनेजेबल था, इनफैक्ट मैथ्स भी मैनेजेबल था, पर अगर हम 10th के शिफ्ट की बात करें तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनमें टाइम लग रहा था। तो अब 12th के लिए क्या माइंड सेट करें, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये जो 6 पेपर है एक आइडियल पेपर है, इन्हीं की तरह पेपर हो सकता है, इसका कोई सब टफेस्ट पेपर ले लो और 8 का इजिएस्ट पेपर, इजिएस्ट और टफेस्ट पेपर के बीच का ही कोई लेवल आपको मिलने वाला है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम पेपर के पैटर्न को समझें तो 10th वाले जो पेपर थे उन पेपर के क्वेश्चन जैसे चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो, चाहे इक्वेशन का क्वेश्चन हो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन हो, या चाहे डिटरमिनेंट का क्वेश्चन हो, चाहे इंटीग्रल का क्वेश्चन हो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन थे, यानी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही आए जो 8 से स्टार्ट हुए पर ट्रिकी क्वेश्चन थे। तो आपको मैं एक सजेशन ये देना चाहूंगा कि आप इन 6 पेपर को एक बार अच्छे से स्टडी कर लें, स्पेशली 10th और 9th वाले पेपर को एक बार पूरे सॉल्यूशन को अच्छे से देखें। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इजीएस्ट वे में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, एक डिफरेंट अप्रोच के साथ सॉल्यूशन दिया, आप अगर देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, इसको देखिए और पूरी कोशिश की कि कम से कम समय में किया जाए क्वेश्चन, पर हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में मुझे टाइम लगा हो क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आए आपको बताए। दूसरा, ये पूरा मेमोरी बेस्ड पेपर था तो कई क्वेश्चन में हो सकता है कि मुझसे डाटा लिखने में गड़बड़ हुई, जो बच्चों ने बताया वो गलत लिखा हो मैंने, या लैंग्वेज या ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल पॉसिबल थी, पर जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया वहां पर कहीं पे भी जरूरत नहीं। जैसे लिमिट में हम देखें, लिमिट में एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते थे, एल हॉस्पिटल रूल से नॉर्मली क्वेश्चन नहीं होते पर इस बार के जो क्वेश्चन थे रैशलाइज करके कर सकते थे, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। तो मैं इन ऑल आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि ये 6 पेपर बहुत आइडियल पेपर है, पर 6 पेपर का मतलब हो गया 6 + 6 + 6 = 18। पर मैं एक बात बिल्कुल श्योर हूं कि जो बच्चे 12th को एग्जाम देने वाले होंगे उन्होंने 8 का पेपर 8 को देखा होगा, 9th का पेपर 9th को, और 10th का पेपर वो आज देख रहे होंगे या हो सकता है 11th को देखें। तो इसको एक बार बस सेकंड टाइम सॉल्व करने की जरूरत है, और जब भी कोई पेपर हम दोबारा सॉल्व करते हैं तो हमारा टाइम 80-90% कम हो जाता है, जो पेपर पहली बार में 1 आवर में सॉल्व किया था वो अगली बार में 10 से 15 मिनट लगेगा। तो जो ट्रिकी क्वेश्चन थे 10th और 9th के उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने सॉल्यूशन दिया उसको जरूर देखिएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक पॉजिटिव माइंड से 12th का पेपर दीजिए, 12th के पेपर का सॉल्यूशन हम फिर डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद जेई एडवांस के लिए किस ढंग से प्रिपरेशन करना है उस पर हम एक सेशन डिस्कस करेंगे, जो जो आपके रिलेटेड डाउट है वो सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।